सुपर 30 का सुपर हिट तीसरा दिन। आनंद सर, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। वेलकम बैक टू चैनल। मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे, आनंद ही आनंद। आज जिधर उधर चर्चा का विषय है वो है आनंद। जी हाँ, आनंद कुमार। आज यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उनके नाम के साथ जुड़ी है सुपर 30 की कहानी। सुपर 30 यह फिल्म आनंद कुमार के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म में उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक की सारी कहानी बयां की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद एक मध्यम परिवार से है। उनके पिताजी पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। गरीबी की वजह से आनंद प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए और हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूल में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। गणित में बहुत अधिक रुचि थी। वक्त के साथ यह रुचि बढ़ती गई। उन्होंने कुछ नए फार्मूले के साथ एक्सपेरिमेंट किया और अपना थेसिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनको दाखिले का प्रस्ताव भी आया। लेकिन दोस्तों, गरीबी और लाचारी इतनी थी कि पिताजी प्लेन का टिकट का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे, जिसके वजह से आनंद कुमार का फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना सपना ही रह गया। पिताजी को यह गम हमेशा खलता रहा और एक दिन चल बसे। अब परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और बिगड़ते ही चली गई, यहां तक कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। तब आनंद अपने भाई के साथ मिलकर माँ के हाथों के बनाए पापड़ गलियों में घूम घूम कर बेचने